देख रहे अम न्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। बिहार में बढ़ते अपराध एवं गिरते कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निकाली जन आक्रोश मार्च। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वायलेट से नहीं बुलेट से जीतना चाहते हैं मतदान। बिहार के साथ साथ भागलपुर में बढ़ते अपराध एवं गिरते कानून व्यवस्था को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश मार्च निकाली। यह जन आक्रोश रैली घंटा घर से निकलकर भागलपुर संग्रहालय पहुंची, जहां बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन को ज्ञापन सौंपा। उन लोगों का कहना हुआ कि शहर के बीच घनी आबादी वाले मोहल्ले के श्री निकेतन अपार्टमेंट में दो व्यक्ति, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड था, उन दोनों की गला रेत कर मृत्यु का प्रयास किया गया, जिसमें गार्ड की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल अवस्था में जीवन एवं मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। इस घटना से पूरा भागलपुर मरमत है। भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुनाव बैलेट से नहीं बुलेट से जीतना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, जब ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है और कानून व्यवस्था समाप्त होकर जंगल राज की ओर बढ़ता जा रहा है। आज के इस जन आक्रोश मार्च में भागलपुर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, संतोष कुमार, डॉक्टर प्रीति शेखर, पंकज कुमार, रोशन सिंह, कन्हैया कुमार के अलावे दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिस प्रकार भागलपुर में पिछले कई हफ्तों से, और केवल भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में, जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार की लूट और हत्या की घटना घट रही है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज भागलपुर के अंदर आक्रोश मार्च निकाली है। और लग रहा है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, वह एक पॉलिटिकल टूर पर हैं और पूरे बिहार को अपराधियों के हाथ में सौंप दिए हैं। लगता है कि उनको जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, यह सपना वो बैलेट से नहीं बुलेट से लगता है वो तय करना चाहते हैं, इस सपना को पूरा करना चाहते हैं। यह हम लोगों को, पूरे बिहार की जनता यह देख रही है और बिहार की जनता तय करेगी कि बैलेट से हमको सरकार बनाना है या बुलेट को समर्थन देने वाले लोगों को हमको चुनना है। तो इस नाते हम सभी लोग, एक तो आज जिला प्रशासन से मिलकर भागलपुर के अंदर जो भी घटनाएँ घटी है उसमें तुरंत जो दोषी हैं उसकी, उस पर कार्रवाई हो, वह गिरफ्तार हो और भागलपुर में अमन चैन बहाल हो, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम लोग मिलकर ज्ञापन देंगे। और अगर इस प्रकार की घटना नहीं रुकी और इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी।